यूपी पुलिस 49,568 के तीसरे चरण के मेडिकल के बारे में यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, कब आपका मेडिकल होगा, किन किन सेंटरों पर आपका मेडिकल होगा और आपकी जो तीसरे चरण की ट्रेनिंग है वो किस महीने से स्टार्ट होने की संभावना है। पूरी पूरी तैयारी की जा रही है इस बात की कि इस महीने से मतलब दिसंबर से आपकी ट्रेनिंग जो है तीसरे चरण की स्टार्ट हो जाए। तो ये पूरी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। 5,568 के पहले दो चरण में जा चुके हैं सभी सिविल वाले, अब बारी किनकी है PSC के लिए। तो PSC मुख्यालय की तरफ से ही ये जारी किया गया है नोटिस, और विषय देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सेवा में समस्त सेनानायक PSC वाहिनी उत्तर प्रदेश, और विषय है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन, मतलब मेडिकल और वेरिफिकेशन के बारे में ये बात है, ये पूरी पूरी जानकारी है। क्या है उपयुक्त विषय, कृपा अपर पुलिस अधीक्षक कार्मिक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या, ये दी गई है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से प्राप्त आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत आरक्षी PSC के पद पर भर्ती हेतु चयनित 18,217 टोटल कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं PSC के लिए, 18,217 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरे पॉइंट में देखिए, ये दूसरा पॉइंट मेन है जो आपको बताता है कि आपकी ट्रेनिंग कब है। देखिए क्या है, उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण एवं चयन सत्यापन वाहिनी स्तर से कराया जाना है। जो भी आपके PSC की वाहिनी सेंटर है वहाँ पर आपका जो मेडिकल होगा, चिकित्सा परीक्षण एवं चयन सत्यापन में उपयुक्त अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण तृतीय चरण में दिसंबर, देखिए ये नोट करें, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित है। तो दिसंबर के लास्ट में यहाँ पर ट्रेनिंग की इन्होंने संभावना जताई है, तो उम्मीद पूरी पूरी की जा सकती है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पर अवगत कराना है कि पूर्व में सीधी भर्ती 2018 के प्रथम चरण में चयनित 18,000 अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा एवं चयन सत्यापन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए। उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में PSC के चयनित 18,217 अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण एवं चयन सत्यापन की कार्रवाई आपके द्वारा की जानी है। चिकित्सा परीक्षा एवं चयन सत्यापन हेतु आपकी वाहिनी को आवंटित अभ्यर्थियों की जनपदवार संख्यात्मक सूची संलग्न है और अभ्यर्थियों के नाम की सूची ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। मतलब क्या है, एक तो मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या होना, मेडिकल किस तरह से होना, जैसा आपका पहले चरण वाले बच्चों का जो सिविल में गए हैं उन बच्चों का मेडिकल हुआ है, बिल्कुल सेम मेडिकल इनका तीसरे चरण में जो PSC में जाएंगे उनका होना, कोई भी अलग चीज़ आपके लिए नहीं है। साथ साथ जो जितने भी बच्चे किसी एक PSC वाहिनी पे मेडिकल के लिए भेजे गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर भेज दी गई है और उनके नाम सहित लिस्ट जो है वो वाहिनी को प्रेषित कर दी गई है। चलिए अगर आगे बढ़ें इसी जानकारी को, तो यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं आप, चिकित्सा परीक्षा हेतु वाहिनी स्तर पर नोडल अधिकारी सेनानायक द्वारा तथा मंडलीय चिकित्सा परीक्षा के संबंध में सेक्टर स्तर पर नोडल अधिकारी संबंधित अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे। आगे अगर देखें तो कृपा सीधी भर्ती 2018 प्रथम चरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार आपकी वाहिनी को आवंटित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा एवं चयन सत्यापन की कार्रवाई वैश्विक महामारी COVID-19 के संक्रमण के संबंध में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए सकुशल संपादित करने का कष्ट करें और चिकित्सा परीक्षा एवं चयन सत्यापन की कार्रवाई दिनांक 31/10/2021 तक पूर्ण कर लें। मतलब 31 अक्टूबर तक ये पूरी पूरी कार्रवाई पूरी करने के लिए इन्होंने बात कही है। COVID-19 प्रोटोकॉल का देखें हर चीज़ में ये पालन करना जरूरी हो गया है। अगर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर
पीएससी के चयनित 18,217 अभ्यर्थियों में से चिकित्सा परीक्षा एवं चयन सत्यापन हेतु आपकी वाहिनी को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एवं भर्ती से संबंधित अन्य अभिलेख प्राप्त करने हेतु आपकी वाहिनी से विज्ञ सहायक को प्राधिकार प्रमाण पत्र सहित किसी कार्य दिवस में पीएससी मुख्यालय भेजने का कष्ट करें। संबंधित सहायक अपने साथ कम से कम 16 GB की पेन ड्राइव लाए, तो मतलब पेन ड्राइव में इन्हें जो है पूरा डाटा दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जनपदवार अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सीतापुर के लिए 182 कैंडिडेट दिए गए हैं, प्रयागराज के लिए 465 कैंडिडेट हैं, मेरठ के लिए यहाँ पर 844 कैंडिडेट जो हैं मेडिकल के लिए दिए गए हैं, बरेली पीएससी के लिए यहाँ पर 300 कैंडिडेट हैं, मुरादाबाद के लिए 428 हैं, बाराबंकी के लिए 718 हैं जिनका मेडिकल बाराबंकी होगा, सीतापुर के लिए 249 हैं, फतेहपुर के लिए 281 हैं, आगरा के लिए 888 हैं, जबकि आजमगढ़ के लिए 636 हैं और मुरादाबाद के लिए यहाँ पर 680 कैंडिडेट दिए गए हैं मेडिकल के लिए। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ के लिए 156, वाराणसी के लिए 569, कानपुर के लिए 793, अलीगढ़ के लिए 1162, मतलब अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं यहाँ पर एक तरह से देखा जाए अभी तक। मिर्ज़ापुर में 700 हैं जिनका मेडिकल होना है, गाज़ियाबाद में 784 हैं, प्रयागराज में 347 हैं और एटा में 699, जबकि मेरठ में जो है 936 यहाँ पर दिए गए हैं 44वीं वाहिनी को। अलीगढ़ में 823 दिए गए हैं किसे भाई, 45वीं वाहिनी को। और देखिए अलीगढ़ में पहले भी आया था, जैसे आप देख सकते हैं वो 38वीं वाहिनी को दिए गए थे उतने कैंडिडेट। गाज़ियाबाद में 47 वाहिनी को 507 दिए गए हैं और सोनभद्र में 116 हैं, सॉरी गौतम बुद्ध नगर में जो है यहाँ पर 218। कुल मिलाकर ये जो सूची बनी है वो बनी है 18,217 की, तो टोटल कैंडिडेट 18,217 हैं। तो भाई मेडिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहें, अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखें, तो भाई अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, मेडिकल में आप पूरी तरह से फिट हैं और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जो हैं जल्द ही अपनी जॉब पर जाएंगे और दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग लास्ट हफ्ते में बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर ये अभी तक की जानकारी निकल कर आई है, आगे जो भी जानकारी आएगी वो आपको जरूर दी जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।